हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शशि आर्ट एजुकेशन में। मैं हूं आपके साथ शशि। तो आज हम फिर लेकर आए हैं TGT कला 2004 का प्रश्न पत्र, जो कि आप सभी के लिए बेहद उपयोगी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? ऑप्शन सी काली। तैयब मेहता ने इन शहरों में कार्य किया था। ऑप्शन बी बंबई, दिल्ली। आरा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन सी स्थिर वस्तुचित्र। उड़ीसा में सूर्य मंदिर किस शहर में है? ऑप्शन डी कोणार्क। दिलवाड़ा मंदिर है इसका। ऑप्शन सी संगमरमर मूर्तिकला। सांची के स्तूप हैं। ऑप्शन सी आकार में अर्धवृत्ताकार। दिल्ली का लाल किला बनाया गया था किसके पुत्र द्वारा? ऑप्शन डी जहांगीर के द्वारा। माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ था? ऑप्शन सी पुनर्जागरण। रामकुमार प्रसिद्ध हैं अपने। ऑप्शन बी प्रकृति चित्र के लिए। कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई हैं? ऑप्शन डी टेराकोटा। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? ऑप्शन ए 34। एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? ऑप्शन सी कैलाश का मंदिर। अजंता एलोरा के गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा? ऑप्शन ए वेन सांग। कंदरिया का महादेव मंदिर कहां पर स्थित है? ऑप्शन सी खजुराहो। गोल गुंबज कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए बीजापुर। जंतर मंतर किसने बनवाया? ऑप्शन बी राजा सवाई सिंह। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? ऑप्शन ए अकबर। विक्टरी टावर कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़।
राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? ऑप्शन ए पौराणिक, ९८९० ग्रुप कहाँ गठित हुआ था? ऑप्शन ए बड़ौदा। निम्नलिखित में से 1890 ग्रुप के कौन हैं? ऑप्शन ए हिम्मत शाह। 1890 ग्रुप का कौन कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार कवि और कला इतिहासकार भी था? ऑप्शन ए गुलाम मोहम्मद शेख। 1890 ग्रुप का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन था? ऑप्शन सी ज्योति भट्ट। वह प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन था जो अपनी जली जलाई लकड़ी की मूर्तिकला के लिए जाना जाता है? ऑप्शन सी जयराम पटेल। सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है? ऑप्शन सी एंडी बारहोल। सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र शांति किसके द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन ए पिकासो के द्वारा। आप कलाकार का नाम बताइए। ऑप्शन सी वासर रैली। अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन डी पिकासो। पोटैटो ईटर का प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा बनाया गया? ऑप्शन सी वान गॉग। जॉय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग है? ऑप्शन सी हेनरी माथिस का। किसने लंचियन ग्रास नामक पेंटिंग बनाई? ऑप्शन बी मैनेट ने। अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित हैं? ऑप्शन बी बुद्ध के जीवन पर। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी माउंट आबू। डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई थी? ऑप्शन सी माइकल एंजेलो। बिंदु चित्रण पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का नाम बताइए। ऑप्शन डी शिवरा। कौन प्रसिद्ध फाविज्म कलाकार था? ऑप्शन सी हेनरी मातिस। केजी सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग है? ऑप्शन डी सेंट एंड्रूज में विवाह। अमृता शेरगिल की मां थी? ऑप्शन सी हंगेरियन।
अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था? ऑप्शन बी एमनी राय। राम किंकर का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? ऑप्शन सी संथाल परिवार। सैलोज मुखर्जी हैं एक ऑप्शन डी प्रभाववादी। अवनींद्र नाथ टैगोर जाने जाते हैं? ऑप्शन सी जल रंग तकनीक के लिए। यजात पेंटिंग की एक श्रृंखला है जो बनाई गई है इनके द्वारा। ऑप्शन सी रामचंद्रन नायर के द्वारा। बीसी सान्याल थे इनके समकालीन। ऑप्शन बी अमृता शेरगिल। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? ऑप्शन ए 30 गुफाएं। अजंता कब प्रकाश में आई? ऑप्शन सी 1819 ईस्वी में। अजंता गुफाएं किस धर्म पर आधारित हैं? ऑप्शन बी बौद्ध धर्म पर। अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया है? ऑप्शन ए चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर। अजंता गुफाएं स्थित हैं यहाँ। ऑप्शन डी महाराष्ट्र। राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई? ऑप्शन बी 16वीं से 17वीं शताब्दी। राजस्थानी पेंटिंगों के पसंदीदा विषय थे? ऑप्शन सी राधा कृष्ण। पहाड़ी पेंटिंगें किस समय विकसित थी? ऑप्शन डी प्रारंभिक 18वीं और विलंबित 19वीं शताब्दी। मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर था? ऑप्शन डी उस्ताद मंसूर। मोहनजोदड़ो अवध की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति है इसकी? ऑप्शन डी कांसा। राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन डी राजस्थानी और हिंदू शैली। प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा था? ऑप्शन सी सुजाने। किसने पेंट किया था लैंप और मकड़ी के बीच? ऑप्शन डी एम एफ हुसैन। प्रसिद्ध चित्र जमीन किसका बनाया हुआ है? ऑप्शन बी एम एफ हुसैन।
थ्रू द आईज ऑफ एन आर्टिस्ट फिल्म किसने बनाई? ऑप्शन बी एम एफ हुसैन, प्रगतिवादी समूह का कौन कलाकार ईसा मसीह पर बनाए गए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी एफ एन सूजा, प्रगतिवादी समूह का कौन चित्रकार पेरिस में बस गया? ऑप्शन सी रजा। बिंदु प्रगतिवादी समूह के किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन बी एस एच रजा द्वारा। एम एफ हुसैन ने हाल ही में ₹100 करोड़ का सौदा किया था। ऑप्शन डी स्वरूप श्रीवास्तव द्वारा। तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे? ऑप्शन ए फ्रांसिस बेकन। अजंता में राजकीय शोभा यात्रा चित्र किस संख्या की गुफा में है? ऑप्शन सी गुफा संख्या एक में। अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में चित्रित है? ऑप्शन सी गुफा संख्या दो। वह पहला पेंटर कौन था जिसने तैल चित्रांकन आरंभ किया? ऑप्शन सी जान वान आइक। रेम्ब्रा को जाना जाता है ऑप्शन सी नाटकीय चित्र के लिए। जल रंगी पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? ऑप्शन सी आवश्यकता अनुसार। नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया? ऑप्शन सी राजा सवाई सिंह द्वारा। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एट वर्क मूर्ति किसकी बनाई हुई है? ऑप्शन सी डीपी राय चौधरी। एन एस बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित हैं? ऑप्शन बी जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स। प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायतुंडे जाने जाते हैं? ऑप्शन ए एक पेंटर के रूप में। गोवर्निका पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? ऑप्शन सी पिकासो द्वारा। प्रसिद्ध आधुनिक पेंटर जैक्सन पोलॉक कहाँ का है? ऑप्शन सी अमेरिका का। सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है? ऑप्शन सी 2875 से 1100 ईसा पूर्व। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस 100 वर्षों की अवधि में बनकर तैयार हुई? ऑप्शन बी 950 से 1050 ईसा पूर्व। खजुराहो में कितनी संख्या में मंदिर हैं? ऑप्शन सी 22।
भारतीय चित्रकला का इतिहास है इतने वर्षों का? ऑप्शन ए 5000 वर्ष, सिस्टीन चैपल चित्र किसका बनाया हुआ है? ऑप्शन बी माइकल एंजेलो। एम ए हुसैन प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन बी घोड़ा चित्रों के लिए। मेल्टी कुमार किसकी पेंटिंग है? ऑप्शन बी सालवाडोर डाली। एम एफ हुसैन मध्य प्रदेश के किस शहर के हैं? ऑप्शन बी इंदौर। पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई? ऑप्शन ए 20वीं शताब्दी। सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने की थी? ऑप्शन सी टर्नर। मोनालिसा की पेंटिंग किस रंग के विभिन्न टोनों में की गई है? ऑप्शन डी लाल रंग। पिकासो किसके समय में पैदा हुआ था? ऑप्शन डी आभास चित्रण। प्रगतिवादी समूह के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? ऑप्शन सी बंबई में। प्रसिद्ध वास पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई थी? ऑप्शन सी बंगाल स्कूल। एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हैं? ऑप्शन बी समुद्र से। वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई थी? ऑप्शन सी मोनेट के द्वारा। किस कलाकार ने ताहिती पेंट किया था? ऑप्शन सी पाल गोगिन। कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है? ऑप्शन बी मैरी कैसेट। अभिव्यंजनात्मक कलाकार का नाम बताइए। ऑप्शन सी मुंग। आयरन पिलर कहां पर स्थित है? ऑप्शन डी दिल्ली। यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? ऑप्शन सी टेम्परा। अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई? ऑप्शन डी 1100 वर्ष में। शांति निकेतन में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती है? ऑप्शन सी व्यावसायिक कला की।
किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए मुगल। सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी महाबलीपुरम। बीएफए आर्ट एजुकेशन की शिक्षा किस विश्वविद्यालय में दी जाती है? ऑप्शन बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी मदुरई। राजपूत पेंटिंग का समय क्या है? ऑप्शन डी 16वीं से 19वीं शताब्दी। इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? ऑप्शन डी ईश्वरी प्रसाद। एम एफ हुसैन ने कौन सी फिल्म बनाई? ऑप्शन ए मीनाक्षी। देवगढ़ का विष्णु मंदिर कब बनना शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 5वीं शताब्दी। इनमें मूर्तिकार कौन है? ऑप्शन ए देवी प्रसाद राय चौधरी। सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी विदिशा में। असित कुमार हल्दर किस कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य थे? ऑप्शन डी लखनऊ। एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं से कितने किलोमीटर दूर है? ऑप्शन सी 84 किलोमीटर। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं? ऑप्शन ए लघु चित्र। बांस पेंटिंग का प्रारंभ किस कला महाविद्यालय से हुआ? ऑप्शन सी शांति निकेतन। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं? ऑप्शन डी टैल रंग पेंटिंग के लिए। भारत के किस महान कलाकार को पिकासो के बराबर माना जाता है? ऑप्शन बी एम एफ हुसैन को। मदर गाडेस की मूर्ति किस माध्यम में है? ऑप्शन सी टेराकोटा। सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है? ऑप्शन ए एच ग्रेड की पेंसिल। किस रंग के मिलने से ग्रे रंग बनता है? ऑप्शन डी काला और सफेद। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रह है? ऑप्शन डी उक्त सभी के लिए।
अजंता कितनी लंबाई में फैला हुआ है? ऑप्शन सी 600 गज में। अजंता में किस धर्म में जुड़े चित्र या मूर्ति नहीं है? ऑप्शन डी ईसाई धर्म। सारनाथ पिलर कब बना? ऑप्शन ए 3री शताब्दी ईसा पूर्व। अशोकन पिलर जो लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है, इसकी ऊंचाई बताएं। ऑप्शन सी 9.7 मीटर। सुंग स्कूल ऑफ आर्ट कब बढ़ा? ऑप्शन ए 184 से 72 ईसा पूर्व। अजंता में बोधसत्व वाला पेंटिंग किस गुफा में है? ऑप्शन ए गुफा संख्या 1।